हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केरकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही रोचक ऐसे एक व्यक्तिमत्व के बारे में। वो है ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। कुछ लोगों के ऐसा व्यक्तिमत्व रहता है कि वो बहुत ही टिपिकल और परफेक्ट काम करने में उनको बहुत रुचि होती है। मतलब कोई चीज़ जहाँ के वहाँ रखना, जगह पे बिल्कुल वही जगह पे वो चीज़ रखना, चाबी वहाँ रखना है तो वहीं रखना है, घर की वस्तुएं जो है वो वहीं रखेंगे, और कहीं ऐसा अलग जगह रख दिया तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब उनके साथ में रहना बोले तो बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता बाकी लोगों में, क्योंकि उनको बहुत टिपिकल रखता, साफ सुथरा होना, घर एकदम उनका। ये लोगों के घर में आप जब जाएंगे तो घर बहुत ही एकदम साफ सुथरा रहेगा, मतलब थोड़ा भी ऐसा कचरा कीड़ा कंडी कहीं भी रहेंगे नहीं, और बहुत ही मतलब क्लीन एंड नीट मकान रहेगा। ये लोग जो है इनको ये भी रहता है कि बार बार वो चेक करते रहते हैं, जैसा लॉक लगाया हुआ है जाके वो एक दो बार चेक कर लेंगे लॉक लगाया है कि नहीं, ऐसा वो समझो जीना चढ़ रहे हैं, मतलब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो वो सीढ़ियाँ चेक करेंगे कितनी सीढ़ियाँ होंगी, या उतर रहे तो सीढ़ियाँ चेक करेंगे कितनी सीढ़ियाँ होंगी, या फिर चलना है तो टाइल्स जो है तो टाइल्स का समझो ज्वाइंट क्या है, टाइल्स का ज्वाइंट तो वही ज्वाइंट के ऊपर पैर रखने का नहीं, ज्वाइंट छोड़ के पैर रखने का है, मतलब ऐसा वो चलेंगे। ऐसे काफ़ी सारे मतलब उनको बार बार मतलब भगवान को नमस्ते करेंगे तो मतलब बार बार वो भगवान को नमस्ते करेंगे, या फिर देखना है तो थोड़ा मुड़ के एक दो बार देख लेंगे ऐसा। और उनको ऐसा मतलब उनको लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, या बाकी भी लोग हैं उनको ऐसा कुछ लगता नहीं प्रॉब्लम है, मगर उनको कभी कभी इससे तकलीफ हो सकती है, या फिर बाकी उनके साथ में लोग हैं तो उनको भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये जब बार बार करते रहते हैं तो ऐसे ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर करके नहीं है, क्योंकि डिसऑर्डर बोले बीमारी बोले तो फिर काफ़ी सारा मतलब ज़्यादा हो जाता है। ये कैसा ये व्यक्तिमत्व ही है, और ये मतलब बाकी व्यक्तिमत्व में वो मिल जाता है, ऐसा बहुत तकलीफ नहीं रहती, मगर कभी कभी इससे तकलीफ हो सकती है। इसका इलाज इसलिए करना जरूरी है कि फिर इसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, या ओसीडी बोलते हैं, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस जो है, उसमें इसका कन्वर्शन हो सकता है आगे चल के, उसको ये व्यक्ति को ऐसा हो सकता है। ये लोगों का ऐसा है कि स्नान भी वो दो बार करेंगे, उनका मतलब टॉयलेट भी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, खाना खाना है तो मतलब डाइनिंग टेबल भी उनका नीट एंड क्लीन रहेगा, जहाँ वहाँ उनको साफ सुथरा नीट क्लीन ऐसी चीज होना है, और फिर उसमें वो रहते रहे। तो इसका कोई ऐसा कोई दवाई नहीं है, ये बीमारी करके भी ऐसा बोल सकते हैं कि बीमारी मतलब एक व्यक्तिमत्व है, मतलब इसकी तकलीफ भी ज़्यादा होती रहती है उनको या लोगों को, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप आजू बाजू देखेंगे तो आपके काफ़ी लोगों को मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम है कि वो बार बार चेक करना, बार बार लॉक चेक करना, बार बार कपड़े पहनना निकालना, कपड़े पहनना एक दो बार करेंगे वो, कपड़े भी उनका मतलब उनका कपड़ भी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, तो ऐसा कोई बुरा नहीं है इसमें मतलब, और बुरा भी नहीं है तो उसमें सतर्क रहना जरूरी है कि भाई ये कभी बीमारी में कन्वर्शन कब हो जाएगा। इनका ऐसा है कि इनके बहुत रिलीजियस रहते हैं, मतलब भगवान को बहुत डरते हैं, भगवान की पूजा अर्चा करना, आधा आधा घंटे तक पूजा करना, ये भी इसमें मतलब दिखाई देता है। तो ऐसे आपके परिचित काफ़ी जो लोग होंगे उनको आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि वो टाइम पे सतर्क हो जाए। आप आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जरिए वीडियो शेयर कीजिएगा। ये ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी मतलब परफेक्ट व्यक्तिमत्व, या परफेक्ट जो रखता है खुद को वो व्यक्तिमत्व है। तो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो हर बार आते जाएंगे, और हमारा वेबसाइट है उसमें भी अधिक जानकारी आपको मिल जाएंगी। हमारा हॉस्पिटल जो है वो मनोरुग्ण के लिए हॉस्पिटल है, जहाँ हम पेशेंट को रखते हैं फैमिली मेम्बर के साथ में, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ फैमिली मेम्बर को छोड़ के, और वैसे ही व्यसन मुक्ति का भी हॉस्पिटल है कि जहाँ हम बाकी सब व्यसनों का इलाज करते, नशाखोर है उनका इलाज करते हैं। तो जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।